मैंने दाल और कीमा की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार की है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और लजीज होती है और बहुत ही झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है। इसको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। नाज़रीन, वेलकम टू सामान याज़ी किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटा चटखारेदार दाल कीमा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो कीमा ले लिया है। उसको मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैं टमाटर डाल दूँगी, जो 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल देंगे। ये 2 बड़ी साइज़ के प्याज हैं ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर ये चीज़ें मैंने डालनी है। आप इसके अंदर खुश मसाले डाल लेंगे। मैं बहुत ही न्यू तरीके से दाल कीमा की रेसिपी बनाने लगी हूँ। ये झटपट बहुत ही मज़े की रेडी होती है। आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। यहीं पे मैं डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ। आधी चाय की चमची हम डाल देंगे हल्दी। एक खाने का चम्मच नमक डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच सूखी मिर्च है ये। साथ में ही 1 कप हम ऑयल का डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अब मैं चूल्हे पर रख दूंगी। इसको हम बॉईल करेंगे। हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया। अभी इसमें इनके पानी नहीं डाला मैंने। इसके अंदर जो ऑयल डाला था वो भी है। अब इसके अंदर में आधा जी 1 गिलास हम पानी का डाल देंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अभी हमें इसको वेट नहीं लगाना। 3 से 4 मिनट इसको मैं ऐसे ही बॉयल करूँगी अच्छे से। 3 से 4 मिनट इसे बॉयल होते हुए हो गए हैं। मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब मैंने 300 ग्राम चने की दाल ली थी, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। लेकिन मैं इसे साथ ही डाल दूँगी। ये कच्ची दाल है, इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन रही है और बहुत ही यूनिक तरीके से मैं बना रही हूँ। इसको अब मैं 6 से 7 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी, ताकि हमारा कीमा भी नरम हो जाएगा और हमारी दाल भी साथ ही गल जाएगी। मैंने टोटल 6 मिनट वेट लगाया था। 6 मिनट वेट के अंदर मेरा कीमा और दाल दोनों गल गए हैं। इसको वेट खोलने के बाद मैंने इसको खुले बर्तन में डाल दिया है। मेरे को नज़र आ रहा है इसके अंदर पानी। आप मैं तेज़ आग करके इसके अंदर सबसे पहले पानी खुश करूँगी। ये देखिए, मैंने इसे तेज़ आग पर रखा हुआ है। पानी हमारा खुश्क हो गया है। इस मौके पर मैंने 10 से 12 जो हरी मिर्चें ली हैं ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। बहुत ही चटपटा सा चबारा चबारा सा बनेगा। डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर 1 खाने के चम्मच हम गर्म मसाला डाल देंगे और साथ में मैंने ये 1/2 कप दही का रखा हुआ है ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमारे सारे मसाले मुकम्मल होते हैं। अच्छा, बहुत मज़े का कलर आएगा, ये बहुत ही मज़े का रेडी होगा। ये देखिए जी, हमारी झटपट दाल कीमा की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है, जो बहुत ही मज़ेदार रेडी होती है और बहुत ही कम टाइम लगता है इसको रेडी होने में। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। शुक्रिया।